कोयला तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए रत्नेश वर्मा को 114 दिनों के बाद शनिवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत दे दी। सीबीआई द्वारा कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में रत्नेश वर्मा का नाम शामिल था। काफी समय से फरार चल रहे रत्नेश वर्मा ने गत 31 जनवरी को सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर लिया था। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए रत्नेश वर्मा को 114 दिनों के बाद शनिवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत से जमानत मिल गई। आसनसोल जेल में बंद रत्नेश वर्मा की जमानत के लिए उनके वकील शेखर कुंडू ने आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में याचिका दायर की थी। उस आवेदन के पक्ष में वकील ने जज के सामने कई दलीलें और सूचनाएं पेश की। उन्होंने कहा कि रत्नेश 31 जनवरी को गिरफ्तार होने के बाद आसनसोल जेल आया था। इस मामले के ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर हैं, इसलिए उसे भी किसी भी शर्त पर जमानत दी जाए। तब सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा, जांच अभी जारी है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने रत्नेश वर्मा को जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपी अनुप मांझी उर्फ लाला के करीबी दोस्त रत्नेश वर्मा की सीबीआई को काफी समय से तलाश थी। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने रत्नेश वर्मा और विनय मिश्रा को भगोड़ा घोषित किया था। मालूम हो कि वर्ष 2019 और 2020 में लगातार दो बार ओपन वारंट की घोषणा की गई थी। सीबीआई को काफी समय से रत्नेश वर्मा की तलाश थी, लेकिन सीबीआई उसे ढूंढ नहीं पाई। आखिरकार 31 जनवरी को रत्नेश वर्मा ने अप्रत्याशित रूप से सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। रत्नेश वर्मा हीरापुर के नरसुमदा कोलियरी क्षेत्र का रहने वाला है। सीबीआई अधिकारियों ने उनके घर पर दो बार नोटिस दिया था। कोर्ट द्वारा उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने सीबीआई की विशेष अदालत आसनसोल में चार्जशीट पेश की है, जिसमें रत्नेश वर्मा का भी नाम है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अपनार स्वप्नेर बाड़ी एखन हातेर मुठोए। बांके बिहारी धाम 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপালমাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘে টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট। থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপালমাঠ, দুর্গাপুর 17, মোবাইল 8113 9755 9932484359 700180484855 9932820 7848 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ, মোবাইল 9434312120 7001804855।